ओम शांति नमस्कार दोस्तों सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन नर और नारी दोनों से मिलकर बना है दोनों का समान महत्व है दोनों का समान सम्मान होना चाहिए किंतु हम समाज में देखते हैं कि पुरुष ने जो कर्म किए उस अनुरूप उसे सम्मान मिला किंतु नारी का कर्म भी कम नहीं नारी का त्याग भी कम नहीं उसका बलिदान भी कम नहीं किंतु उसे पुरुष के समान उतना सम्मान नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं नारी का अपमान भी हम समाज में देखते हैं तो यही एक समस्या या बुराई जो हम समाज में देखते हैं उसी को इस कविता के माध्यम से उजागर किया जा रहा है आइए सुनते हैं नर और नारी एक समान पुरुष तनधारी आत्माओं क्या तुम्हारी पहचान पुरुष तनधारी आत्माओं क्या तुम्हारी पहचान किसके दम पर समझते हो खुद को तुम महान किसके दम पर समझते हो खुद को तुम महान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर राम ने महानता पाई मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर राम ने महानता पाई किंतु अग्नि परीक्षा से तो सीता गुजर कर आई किंतु अग्नि परीक्षा से तो सीता गुजर कर आई सिर्फ पुरुषों को नहीं महान होने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं महान होने का अधिकार नारी का बलिदान भी हमें करना होगा स्वीकार नारी का बलिदान भी हमें करना होगा स्वीकार बाहुबल बल का धनी पुरुष तो कम नहीं कोई नारी बाहुबल बल का धनी पुरुष तो कम नहीं कोई नारी उसकी तपस्या का लोहा भी माने दुनिया सारी उसकी तपस्या का लोहा भी माने दुनिया सारी पुरुष ने पाई विश्व में नारी से अधिक प्रधानता समाज में देश में राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में देखें तो पुरुष की प्रधानता अधिक है यही बात इन पंक्तियों में पुरुष ने पाई विश्व में नारी से अधिक प्रधानता पुरुष ने पाई विश्व में नारी से अधिक प्रधानता नहीं मिली नारी को पुरुष के समकक्ष समानता नहीं मिली नारी को पुरुष के समकक्ष समानता प्रधानता की श्रेणी में प्रधानता की श्रेणी में आकर पुरुषों ना इतराओ प्रधानता की श्रेणी में आकर पुरुषों ना इतराओ इसके बदले में समाज प्रति कर्तव्य भी निभाओ इसके बदले समाज प्रति कर्तव्य भी निभाओ पुरुष होकर क्यों करता पुरुषत्व का दुरुपयोग पुरुष होकर क्यों करता पुरुषत्व का दुरुपयोग जीवन भर इंद्रियों से केवल करता रहता भोग पुरुष होकर क्यों करता पुरुषत्व का दुरुपयोग पुरुष होकर क्यों करता पुरुषत्व का दुरुपयोग जीवन भर इंद्रियों से केवल करते हो तुम भोग जीवन भर इंद्रियों से केवल करते रहते हो भोग जिस नारी से जन्म लिया पुरुष का जन्म भी नारी से होता है जिस नारी से जन्म लिया मत दो उसको गाली जिस नारी से जन्म लिया मत दो उसको गाली दुख देकर नारी को तुम ना कहलाओ बलशाली किसी नारी को दुख देना कोई महान कार्य नहीं है यही बात इन पंक्तियों में जिस नारी से जन्म लिया मत दो उसको गाली दुख देकर नारी को तुम ना कहलाओ बलशाली देखो अपने कुकर्मों पर तुम कभी नहीं पछताते एक पुरुष अपने कर्मों पर अपने विकर्मों पर अपने कुकर्मों पर कभी नहीं पछताता इसीलिए समाज में आज देखें तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उसी कारण उजागर हुई हैं उसी कारण फैली हैं। देखो अपने कुकर्मों पर तुम कभी नहीं पछताते जन्म देने वाली नारी को बाजार में तुम बिठाते जन्म देने वाली नारी को बाजार में तुम बिठाते भारत की अस्मिता को भारत की अस्मिता को तुमने किया है खंडित भारत की अस्मिता को तुमने किया है खंडित किस सजा से किया जाए बोलो तुमको दंडित ये सवाल है उन पुरुषों के लिए जिनका चरित्र इतना गिर चुका है कि उन्होंने अपने ही विकर्मों से नारी को इतना अपमानित किया है भारत की अस्मिता को तुमने किया है खंडित भारत की अस्मिता को तुमने किया है खंडित किस सजा से किया जाए बोलो तुमको दंडित नारी के प्रति मत करो अपशब्दों का उच्चारण नारी के प्रति मत करो अपशब्दों का उच्चारण कहीं ना बन जाए तुम्हारे अपयश का ये कारण कहीं ना बन जाए तुम्हारे अपयश का ये कारण करते ही रहे जीवन भर करते ही रहे जीवन भर तुम नारी तन का भोग करते ही रहे जीवन भर तुम नारी तन का भोग जाने कितने पाल लिए जाने कितने पाल लिए तुमने अपने तन में रोग जाने कितने पाल लिए तुमने अपने तन में रोग सर्व सुखों से जिस नारी ने सर्व सुखों से जिस नारी ने भरा है जीवन तेरा सर्व सुखों से जिस नारी ने बड़ा है जीवन तेरा इस नारी तन पर कुदृष्टि का बाण चला है तेरा सर्व सुखों से जिस नारी ने भरा है जीवन तेरा सर्व सुखों से जिस नारी ने भरा है जीवन तेरा इस नारी तन पर कुदृष्टि का बाण चला है तेरा इस नारी के तन पर कुदृष्टि का बाण चला है तेरा ऐसी दूषित मानसिकता ऐसी दूषित मानसिकता बदलनी होगी तुझको ऐसी दूषित मानसिकता बदलनी होगी तुझको समाज प्रति समझनी होगी जिम्मेदारी तुझको समाज प्रति समझनी होगी जिम्मेदारी तुझको सदा याद रखना उन पुरुषों के लिए जो नारी को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं उनके लिए संदेश है सदा याद रखना हर नारी है नौ दुर्गा के समान सदा याद रखना हर नारी है नौ दुर्गा के समान हस्ती ना रहेगी तेरी हस्ती ना रहेगी तेरी यदि किया इसका अपमान हस्ती ना रहेगी तेरी यदि किया इसका अपमान कविता की अंतिम पंक्तियां नारी को सम्मान देकर ही बन पाएगा तू महान नारी को सम्मान देकर ही बन पाएगा तू महान यही मुख्य समझानी तुझे दे रहे शिव भगवान यही मुख्य समझानी तुझे दे रहे शिव भगवान तो दोस्तों इस कविता में हमने नारी सम्मान के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं तो नारी के प्रति भी हमें उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुरुष के प्रति होता है समाज में दोनों का योगदान बराबर का है और कहीं ना कहीं हम देखें तो नारी का योगदान समाज में पुरुष से कहीं ज़्यादा है इसलिए नारी के प्रति अपने हृदय में सम्मान जगाएं आदर करें ताकि हम इस समाज को एक स्वस्थ समाज स्वच्छ समाज बना सकें इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति नमस्कार